आप देखोगे कुछ इस तरीके से कुंड बनाया गया है। ये देखो इस तरीके से दूर तक आप देखोगे कि कुंड बना के छोड़ दिया गया है और यहाँ पे चेंजिंग रूम वगैरह। अभी मैं गया के भास्कर घाट पे आया हूँ। फल्गु नदी पे बना यह घाट और सिक्स लेन ओवर ब्रिज के जस्ट बगल में है। ये जो आप देख रहे हो सिक्स लेन ओवर ब्रिज है और यहाँ पे ही ये घाट है। ये देखो फ्रेंड्स अभी हम लोग आ गए हैं मानपुर सिक्स लेन ओवर ब्रिज के जस्ट बगल में। ये भास्कर घाट है। ये देखो फ्रेंड्स ये आप सामने जो मंदिर देख रहे हो ना ये भगवान भास्कर की मंदिर है और यहाँ पे काफ़ी अच्छा साफ सुथरा जो है मैनेजमेंट यहाँ पे किया गया है। ये देखो फ्रेंड्स और अभी तो खैर काफ़ी धूप है यहाँ पे और ये जो आप सामने देख रहे हो यही सिक्स लेन ओवर ब्रिज है और कुछ दिन पहले ही यहाँ पे घेरे सूर्य मंदिर से भी कलश यात्रा में लोग आए हुए थे और यहाँ पे आप देखोगे कुंड क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है और क्योंकि फल्गु नदी को ऐसा श्राप भी है कि इसमें पानी जो है अंतः सलीला है। ये नदी मतलब अंदर अंदर पानी जो है इसमें बहती है तो आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट जो है कुंड बना के किया गया है और इस तरीके से चेंजिंग रूम टाइप बना दिया गया है यहाँ पे और यहाँ पे लाइटनिंग वगैरह की व्यवस्था है और बाकी कुछ शॉप्स वगैरह जो है वो भी यहाँ पे धीरे धीरे लग रहे हैं। और ये आप देखोगे कुछ इस तरीके से कुंड बनाया गया है। ये देखो इस तरीके से दूर तक आप देखोगे कि कुंड बना के छोड़ दिया गया है और यहाँ पे चेंजिंग रूम वगैरह देख पा रहे हो और सामने ही भगवान भास्कर का यह खूबसूरत सा मंदिर। ये देखो बस अभी से दो तीन घंटों में यहाँ पे आपको पर्वतीन दिखना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए जी।